योगी के काफिले में चल रही गाड़ी पलटी, 5 पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल। कुछ वक्त पहले मिली थी धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले लंबे वक्त से धमकियां मिल रही हैं। कभी धमकी भरे मैसेज में कहा जाता है कि उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा, तो कभी कंट्रोल रूम में आए फोन के जरिए उन्हें मारने की बात कही जाती है। हर बार धमकी देने वालों को यूपी पुलिस धर दबोचती है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस तरह की मानसिकता वाले खुद को सुधारने के बजाय ऐसी ओछी हरकतें कर पुलिस महकमे को परेशान करते हुए नजर आते हैं। खैर, अभी एक महीने पहले की ही तो बात है कि सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और देखिए, इसी बीच शनिवार को लखनऊ से सामने आई खबर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार रात लगभग 8 बजे के आसपास एक बड़ा हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले में लगी एक गाड़ी अचानक से पलट गई, इस तरह की खबर आई। इस भीषण हादसे में 5 पुलिसकर्मी समेत 13 लोगों के घायल होने की भी खबर थी। हादसा उस वक्त हुआ जब सीएम योगी को एयरपोर्ट से लेकर उनका पूरा काफिला सीएम आवास की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि अर्जुनगंज इलाके में सामने से कुत्ता आ गया और उसे बचाने के चक्कर में काफिले की एक गाड़ी पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो बैठी। अनियंत्रित हुई इस गाड़ी ने डीसीएम को टक्कर मार दी और इस दौरान दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात ये रही कि ना ही इस गाड़ी में और ना ही इसके आसपास की गाड़ियों में सीएम योगी थे, बल्कि वो काफी आगे वाली गाड़ी में मौजूद थे। जैसे ही इस हादसे की खबर सीएम को लगी, पहली बार को तो सारे सुरक्षा कर्मी भी हैरान हो गए, लेकिन कुछ देर में मामला साफ हो गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हैरानी की बात तो ये भी है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और इस पर संवेदना प्रकट करने के बजाय अखिलेश यादव इस पर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। जी हां, अखिलेश ने इस हादसे पर कहा, अनाथ पशुओं की समस्या को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से आज स्वयं मुख्यमंत्री जी का काफिला हादसे का शिकार हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। दुखद भी, चिंतनीय भी। पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश का एक खतरनाक सत्य है, ये लोगों के जीवन का प्रश्न है। दूसरी तरफ इस मामले पर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि अर्जुनगंज के मरीमाता मंदिर के पास सड़क हादसा हुआ। सिक्योरिटी के लिए जिला पुलिस की गाड़ियां आगे चलती है, उसी में शामिल डेमो कार में हादसा हुआ। सड़क पर अचानक कुत्ता आने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री की फ्लीट जरूर थी, लेकिन सड़क हादसे का फ्लीट से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल सभी घायलों की हालत पहले से बेहतर है और फिलहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखिए, ये जो घटना हुई है ये लगभग 7:45 के लगभग का समय जो हमें बताया जा रहा है, और ये घटनास्थल जो है वो अगर आप शहीद पथ से आते हैं तो इमामों से उतर के अर्जुनगंज की तरफ मुड़ते हैं और आगे मरी माता का मंदिर पड़ता है, उस बीच जो है थोड़ी से मंदिर के पहले ही हुई है। और जो घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लीट चलती है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जिला पुलिस के आगे गाड़ियां चलती है, इंटरसेप्टर और एंटी डेमो की गाड़ियां भी चलती है, वो आगे रास्ता रूट क्लियर कराती है। तो संभवतः बताया जा रहा है, जो स्थानीय पूछताछ से समझ में आया कि वहाँ सड़क पर कोई कुत्ता है जो अचानक से रास्ते पर आया है, या उसकी बॉडी पहले से पड़ी थी ये अभी क्लियर नहीं है। इंटरसेप्टर गाड़ी उसको क्रॉस करती है, इंटरसेप्टर द्वारा पीछे की गाड़ियों को भी बताया जाता है, बट इंटरसेप्टर के जस्ट पीछे एंटी डेमो की गाड़ी थी जो सूमो गाड़ी है, ये उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसका एक टायर जो है उसके ऊपर आता है, जिसके कारण गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और सड़क के दाहिनी ओर मुड़ करके वहाँ पर भी दो गाड़ियाँ और पब्लिक के जो लोग थे उनको चपेट में ले लेती है, जिस क्रम में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और इंजर्ड और जो स्थिति जो हम लोगों को अभी जानकारी मिली है, 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, इसके अलावा लगभग 6 जो हैं सिविलियन, इनको भी बताया गया कि घायल हुए हैं। टोटल 11 की जानकारी मिली है और उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया, इलाज उनका चल रहा है, और इनका जो डिटेल्स होगा और भी जो घटनाक्रम जैसे जैसे जानकारी में आएगा आप लोगों के साथ शेयर है। कैजुअल्टी की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, 11 लोग इंजर्ड जरूर हैं, उसमें कुछ ये माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लीट थी, बट ये फ्लीट से इसका कोई मतलब नहीं होता। आगे की जो गाड़ियाँ होती है वो जिला पुलिस की जो है वो स्कॉट करके और पायलट करते हुए रूट को क्लियर कराते हुए जाती है। तो एंटी डेमो का उद्देश्य ये होता है कि रस्ते में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए एंटी डेमो की गाड़ी सबसे आगे चलती है, फ्लीट से ही है, काफ़ी आगे चलती है। इंजर्ड हुए वहाँ पर खड़े हुए थे,
स्पीड को देख रहे थे या कुछ काम कर रहे थे या रहने वाले? नहीं, ये गाड़ी जो है जब उसका बैलेंस गड़बड़ाया तो दाहिने ओर सड़क के वो छोड़ करके दाहिने ओर घुस गई। वहाँ दो गाड़ियाँ थी, उसमें भी टक्कर लगी और कुछ लोग वहाँ खड़े थे, जैसा वहाँ पर लोकल स्थानीय लोगों ने बताया कि खड़े थे तो उनको चपेट में आ गए, इस कारण से इंजरी हुई। फ्लीट में सर उस वक्त सीएम सर भी मौजूद थे? नहीं नहीं, फ्लीट तो पीछे थी, ये फ्लीट के काफ़ी आगे चलती है एंटी डेमो, तो एंटी डेमो के साथ ये घटना हुई है, फ्लीट के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, फ्लीट पीछे चलती है। पुलिसकर्मी पाँच जो है उसको घायल बताया गया तो उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया, बाकी और छह सिविलियन की जानकारी मिली है और अभी अस्पताल से हम लोग डिटेल ले रहे हैं, यदि कोई डायरेक्ट ही अपने स्वेच्छा से कहीं किसी हॉस्पिटल में पहुंचा होगा तो उसके बारे में और शेयर किया जाएगा, बाकी जैसे डिटेल्स मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है।